दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल में जियो का इंटरनेट यूज़ करते हैं और आपका इंटरनेट जल्दी ही ख़त्म हो जाता है तो बस दो चार सेटिंग्स कर लीजिए। इसके बाद गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका इंटरनेट 50% से ज़्यादा बचेगा। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको कहीं कनेक्शन मिल जाएगा या मोबाइल नेटवर्क्स, उसमें आप देखेंगे डेटा यूसेज। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल डेटा यूसेज, यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा देगा कौन से एप्लीकेशन ने कितना आपका डेटा लिया है, दिख रहा है ना सब में। तो आपको हर एप्लीकेशन पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे ये चेक करना है जो आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड दोस्तों ये होता है जो आप ऊपर में जो भी काम कर रहे हैं तो वो फोरग्राउंड हो गया, और बैकग्राउंड होता है दोस्तों जो पीछे में आपका जो भी एप्लीकेशन है वो भी काम करते रहता है, मतलब आप उसको देखते भी नहीं है, काम करते भी नहीं है तो वो आपका इंटरनेट ले रहा है। आपने उसको ऐसे कर दिया है अलाउ, इसको अलाउ नहीं करना है, इसको ऑफ कर देना है हमेशा, ठीक है। इससे आपका डेटा ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। तो सारे एप्लीकेशन को आपको ऐसे देख लेना है, चेक कर लेना है। अब चलिए हम दूसरा सेटिंग्स आपको बताते हैं करना है क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा अबाउट फोन, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, अब आपको मिलेगा बिल्ड नंबर, इस पर 7 टैब्स आपको क्लिक करना है। तो मैंने दोस्तों इस पर कर लिया है, ऑटोमेटिक हमारा जो है डेवलपर ऑप्शन आ गया है, आपको यहाँ पर कहीं नीचे में ऐसे मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शंस, इसमें क्लिक करना है और थोड़ा सा इसमें नीचे जाना है। अब आपको कहीं ऐप्स मिल जाएगा, ये देखिए ऐप्स, ये जो ऊपर में देख रहे हैं डोंट कीप एक्टिविटीज, इसको आपको ऑन करना है हमेशा, जो कोई भी एक्टिविटीज होता है उसको ये रोकेगा। और बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको आपको क्या करना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस होगा डेटा उससे बचेगा आपका। तो दोस्तों ये सेटिंग्स आपने जान लिया। एक और आपको सेटिंग्स करना है, प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स में जाना है। अब देखिए नेटवर्क प्रिफ्रेंस, इसमें जाके दोस्तों आप देखेंगे ऑटो अपडेट्स, इसको क्या करना है, आपको डोंट ऑटो अपडेट्स कर देना है। इससे क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन जो आपको अपडेट्स आता है उसका ऑटोमेटिक आपका डेटा चार्ज हो जाता है, मतलब खत्म होने लगता है, तो इसको डोंट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों एक काम और करिए, आपका व्हाट्सएप में जाना है आपको, और यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको स्टोरेज एंड डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मीडिया ऑटो डाउनलोड है, इसका मतलब होता है कोई भी दोस्त या ग्रुप्स में आपका मैसेज आता है तो ऑटोमेटिक वो पिक्चर या वीडियो या ऑडियो कुछ भी डाउनलोड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे देखना है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, यहाँ पे आपको ऐसे क्लिक हुआ होगा, इसको क्या कर देना है, सबको हटा देना है और ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आप जिस पिक्चर को चाहेंगे उसको ही आप मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आपका डेटा बहुत ज़्यादा बचेगा। एक और काम दोस्तों आपको करना है, यूट्यूब आप बहुत ज़्यादा वीडियो देखते होंगे, यूट्यूब में आप देखते होंगे जो आपका जो है ये फीड में ऑटोमेटिक रन करने लगता है, तो आपको क्या करना है, अपने पिक्चर पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, और मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे जनरल में आपको जाना है, ठीक है, प्लेबैक इन फीड्स, यहां पे दोस्तों आपको देखना है इसको ऑलवेज ऑन होगा आपका, इसको ऑफ कर लेना है, ठीक है। और एक और काम कर लीजिए, यहां पर जो है वीडियो क्वालिटी प्रिफ्रेंस, इसको आपको कर लेना है डेटा सेवर। इससे क्या होगा, जो आप जब वीडियो कोई ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन में स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है। तो ऊपर में देख रहे हैं वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क्स, इसको डेटा सेवर कर लीजिएगा, जब आपको मन होगा वहाँ पर HD कर देंगे, जब आपको होगा ये कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी वीडियो आप प्ले करते हैं तो कोशिश करिएगा जो सॉन्ग सुनने वाला है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो ओपन करता हूं, जैसे ये वाला है गोविंदा वाला, इसको क्या करना है ये देखिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको 3 डॉट पे क्लिक करना है, क्वालिटी में जाना है और एडवांस में जाकर 144p कर देंगे, क्योंकि आपको म्यूजिक सुनना है, वीडियो का कोई काम नहीं है। तो ऐसे करने से दोस्तों 100% आपका डेटा बहुत से बहुत बचेगा। आई होप दोस्तों मैंने आपको जो भी सेटिंग्स बोला है एक बार आप ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो पसंद आए तो 1 लाइक जरूर करिएगा, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।